ज्यादा भीड़ नहीं। मुकाबला जारी है, देखते हैं कौन जीतेगा। 3v4 फाइट है लेकिन हमारी तरफ से सिर्फ रोक खेल रहा है, तो अभी देख रहा है चिको क्या डबल स्नैपिंग, सिंगल स्नैपिंग चालू है। एक को नॉक करते हुए रोको की आगे जा रहा है जीके एंड से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे जहाँ भी होंगे। तो आ गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। शुरू इंट्रो में तो आप लोगों ने देख लिया होगा अबूद वर्सेस रोग ओपी, मतलब समझा करो कि वो 3 अरबी थे जिनके पास स्नाइपर थे, 2 के पास AWM था और 1 के पास M24 था। बेशक उस मेरे किल कम है इस गेम प्ले में, लेकिन आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो को लास्ट तक देखने। अगर लास्ट तक नहीं देखने तो फिर ये जो शुरू वाला सीन है ये स्किप कर दो और लास्ट देख लो, मज़ा आ जाएगा। लास्ट में जितना मज़ा है 2-3-4 मिनट में आखिरी, बहुत मज़ा आ जाएगा। वो अरबी ऊपर से पीक ले रहे थे, उनके पास 3-3 स्नाइपर थे और मैं अकेला था, मेरे पास 2 स्नाइपर थे। तो अरबी लोबी में 13 स्टार रैंकिंग में तो 2 स्नाइपर यूज़ करना, बाकी आप लोग खुद समझदार हो, समझ रहे हो। सही टेट अरबी थे जो कि सही प्रो प्लेयर थे, 1 सेकंड भी लेट करता मैं पीक तो खामखा मुझे नॉक कर देते थे। तो बाकी यहाँ पे हम इवेंट पे उतरते हैं, यहाँ से MR वगैरह उठाते हैं और सामने से फुटस्टेप वगैरह आती है। मलक कह रहे हैं कि सामने बंदे हैं, चलो रश करते हैं उस पर, वहाँ पर एक बंदा होता है। तो जैसे हम रश करते हैं वहाँ पर, तुम खुद देख लो बाकी वहाँ पर कितने बंदे निकलते हैं। ये वो नॉक करा, ये तो डबल हम करा। सबर सबर। अच्छा तो ये वही अरबी था जिसका मैंने ड्रेस पहन लिया है, जिसे मैंने जो किसी ने नॉक कर दिया था फिर मैंने फिनिश दे दिया था, उसका सूट मैंने पहना था। तो जो सामने वाला अरबी है वो वही अरबी है जिसका सूट मैंने पहना हुआ था। तो इस पर मैं बहुत ट्राई करता हूँ, यहाँ पे शायद थोड़ा सा पीक ले, थोड़ा सही सा पीक ले जो कि लग जाए इसे हेड, लेकिन वो थोड़ा होशियार होता है पीक नहीं लेता। फिर मैं पीछे आता हूँ क्योंकि पीछे से टीममेट बोलते हैं कि और बंदे आ चुके ऊपर, तो 2 बंदे लैंड होते हैं। यहाँ पर एक बंदे को मैं नॉक करता हूँ और दूसरे को एक स्नाइपर शॉट देता हूँ और उसे भी एक बुलेट लग जाती है, लेकिन वो बंदा नोक नहीं होता। और यहाँ पे मेरे साथ ये सीन हो जाता है, एक बुलेट पड़ जाती है ग्रोजे की, तो यहाँ पे मैं फिनिश हो जाता हूँ। और यहाँ हम रिकॉल होते हैं दोबारा से, यही पे आते हैं कि शायद ये बंदे हमें दोबारा से मिल जाए, क्योंकि यहाँ मेरे पास MR था। लेकिन हम आ जाते हैं वहाँ पे, बंदे शंदे नहीं होते, थोड़े लूट शूट करते हैं फिर उसके बाद निकलते आगे। और यहाँ पे हमें एक अरबी भागता हुआ नज़र आता है जो कि इसे मैं नॉक कर देता हूँ। बाकी मलक साहब को देख लो क्या कह रहा है, क्योंकि उसे गुस्सा आ गया था और 3 बंदे थे जिन्होंने हमें मार दिया था हमारे पूरे स्क्वाड को, तो इसे बहुत गुस्सा आया होता। इसने कहा नहीं भाई है उसे हम मोली से मारेंगे, मोली आग लगाएंगे इसे, तो उसने आग लगा दिया था। इतने में एक बंदा और आता है गाड़ी से, तो इसे भी मैं नॉक फिनिश दे देता हूँ। तो बाकी हम इसे यहाँ से लूट शूट करते और निकलते आगे, फ्लेयर हुई होती है फ्लेयर पे जाते हैं। अब ये वो सीन होने वाला है, यहाँ पे मैं ड्रॉप शॉप लूटता हूँ, ये ड्रॉप भी लूट लेता हूँ और यहाँ मेरे लेफ्ट में एक और ड्रॉप होता है उसे भी लूट लेता हूँ, जो कि मुझे एक MR एक AWM मिल जाते हैं। इतने में अरबियों का एक ऊपर स्क्वाड आता है पहाड़ी पे, इस पर मैं M-Shame बनाता हूँ। शुरू में तो मैं सोच रहा हूँ चलो एक बंदा है उसके पास स्नाइपर है, उसे एक बॉडी शॉटी दे देता हूँ। इतने में गाड़ी आती है, मलक कह रहे हैं कि गाड़ी को मार दो, मैं गाड़ी पर एक शॉट लेता हूँ लेकिन ऊपर से बंदा मलक को नॉक कर देते हैं, तो इसे भी मैं एक और बॉडी शॉट देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि वो जो पहले वाले को मैंने बॉडी शॉट दिया वो इसी को दोबारा बॉडी शॉट दे दिया, लेकिन नो क्यों नहीं हो रहा। लेकिन इतना मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे 3 अरबियों के पास स्नाइपर है और 1 के पास AR है, जो कि पीछे उन लोगों ने कवर में बिठाया हुआ है कि हम नोक होंगे तो हमें रिवाइव देना है आपने।
तो दो बंदों के पास तो AWM थी और तीसरे बंदे के पास M24 थी। और ये फाइट बहुत मज़ा आने वाला है, यहाँ पे मलक कमेंट्री करेगा और मैं शॉट्स वगैरह मारूंगा, निकालूंगा शॉट्स आगे, तो आगे से अरबी भी मुझे नॉक करेंगे, मैं भी उन्हें नॉक करूंगा। क्विक शॉट वाला सीन होगा, कोई फ्रेम फ्रेम कट वाला सीन नहीं है जैसे आजकल टिकटॉक पे शुरू हुआ है कि फ्रेम कट करते हैं और ऊपर से व्यूज वगैरह लेते हैं, पब्लिक को थोड़ा उल्लू शुल्लू बना के व्यूज वगैरह ले रहे। तो यहाँ पे कोई फ्रेम कट वाला सीन नहीं है, ऊपर मैप सेकंड चेक कर सकते हो, हर चीज जो आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। तो देखो फ्रेम कट का ये सीन होता है कि जब स्नाइपर शॉट आप मारते हो, फ्रेम कट करते हो, तो जो स्नाइपर का आवाज है, साउंड इफेक्ट है, वो चेंज हो जाता है, आधा साउंड गायब हो जाता है और आधा रह जाता है। तो आप लोग अगर फ्रेम कट मालूम करते हो या ये जो जोन सेकंड है इस चीज से मालूम किया करो, और या ये जो साउंड इफेक्ट है उस चीज से मालूम कर लिया करो कि ये AWM का साउंड आधा है। तो बाकी आप लोग यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक देखना, इतना मजा आएगा इस वीडियो में, लास्ट शॉट मिस नहीं करना। और अभी हेड और बॉडी चेक करना कैसे पड़ती है उन्हें भी और मुझे भी। سپرانین لا گول لے لو پتی بر اخر کر پتی کرنا ہے شاٹ اور لگا بھی رہا بن جول کرے چلا تو بے اوپر اور ہدا سے کر دے تس یہ بوٹا اے مجی کر یا تا تو اے بوٹا او نہیں یار منم یار منم چکی لندے نہیں کتے دی دارندین یو لزه بوخه کما تاسو راځم په سمته کور راکې ما زول زول پای شو دارلم دارلم تاسو دارندین یو لزه مارک دی لوکیشن اورک تاسو پرمن ور مزه کوره په اوپن چې مزه غېدو پرې ناتو تخر کو تاور لگو بتا زما سپری وای لاڑ اے سخوان کی کنا تیرا خپل کرتی لاڑ اگر نو کس بار دم راش جنٹر مین از رو اوکی روکا اور ابود کا مقابلہ جاری ہے، دیکھتے ہیں کون جیتے گا۔ 3v4 فائٹ ہے لیکن ہماری طرف سے صرف روک کھیل رہا ہے، تو ابھی دیکھ رہا ہے چکو کیا ڈبل سنیپنگ سنگل سنیپنگ چالو ہے، ایک کو ناک کرتے ہوئے روکو بھی آگے جا رہا ہے۔ جی ابھی دیکھتے ہیں کس کو کون ناک کرتا ہے، مجھے تو لگتا ہے عربی ناک کر کے پش کرے گا۔ شاٹ لگ گیا، اس کو بھی لگ گیا، مقابلہ چالو ہے۔ ابھی پھر سے دیکھتے ہیں روک ہیل نہیں کر رہا، اس نے قسم کھائی ہے میں ہیل نہیں کروں گا، ناک کرنے کے بعد میں ہیل کروں گا۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کون بھی آنے والا ہے، اور روک کا مقابلہ جاری ہے زور اور شوروں سے۔ AMR اور AWM ہے روک کے پاس، اور عربی کے پاس ہے AWM، صرف AWM۔ تو ابھی دیکھتے ہیں عربی سٹ ہو گئے، آگے سے پیک نہیں دے رہے کیونکہ اس کو ڈر لگنے لگا، بیکاز روک ہے نا وہ کمبورا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کنگ، اس کو پتہ ہے کہ کنگ آ چکا ہے، روک اوپی ان دا چیٹ کر کے گول کوئی عربیانو ٹیم کو ہے شمع پورا ہیکر ہے مطلب لو کو نہیں شاٹ یار کار کا لگ گیا ہیڈ شاٹ جی جی خلو میں وہ کا تدلتا اور مجھے اپنا مستقبل مجھے نظر آ رہا ہے کیونکہ ان لوگوں کے پاس زون ہے اور ہم لوگ صرف ادھر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اور سنیپر صرف ہیڈ شاٹ کے لیے ہوتا ہے۔ اس نے وہ شے لگایا ہے، واہ
रिवेंज आरबी रिवेंज लेते हुए वे सर कवर कवर कर और आरबी रिवेंज लेने के बाद इमोट कर रहा है। अभी देखते हैं रॉक क्या करता है, क्या हमें रॉक हमें बचाएगा या हमारी टेरिटरी जोन में। क्या वाला ट्रकी टमा सर जी नो अंदर जा कर नहीं कोई शंदा वाला जी कनो का अरे पी के खड़े खा रॉक का ये थ्री नहीं डाला सर जी काफी रहा लोकेशन लोकेशन बराबर लोकेशन से ये होता है हैकर वाइज मला का जरूर होना चाहिए वर्दन सा मना दो रुक कर थोड़ी जोन आ गई दिलावर के यार ना अगर पबजी वाला तो उस रिंग का नहीं मामा खामा तेरा खतरनाक फाइट सवान ने जाना ना आपका दांत से कंदियों बात सुनो दांत से खेता कंटेन बजूल उत्तो जा जा आ गया आ गया आ गया आ गया को दे दम बची था भाई तुमने स्प्रे किया मैं खेल को दंत दो दिन लग पतरी नाइस जरो कवाले शॉट तो बाकी वीडियो यही तक थी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना है आप लोगों ने और फेसबुक वाले यूट्यूब पे भी लाजमी आना है। तो बाकी तो मुझे इन अरबियों के साथ बहुत मजा आया फाइट करते हुए, इनके पास भी स्नाइपर थी मेरे पास भी थी, बहुत मजा आया। बाकी आप लोग मलक का रिएक्शन भी चेक करो वो क्या कह रहे हैं और मुझे दे दो इजाज़त, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। لازم رخيصه فايت يو كده يا ربي انا يا ربي زين ده سن يا ارمان جسم جيم اس ورسره سي انا ده رخوان دي اوكي فك فايت جيل كان دي وين كيف غير شيء كده اي